हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर स्विमिंग करेंगे। भीड़ बहुत है आज, आप मेरे पीछे देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही ज्यादा भीड़ है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा हम गए थे लेक पे नहाने, आज हम लोग जाने वाले हैं स्किवनीगल बीच। आज मैं आपको बीच दिखाऊंगा और हम लोग इस बार गाड़ी से नहीं ट्रैम से जाने वाले हैं, ट्रैम का सफर भी आज आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं बीच पे। तो ये है बाहर का व्यू हमारे घर से। यहाँ पर बैठ के मैं करता हूँ काम, बड़ा मैसी हो रखा है टेबल। तो शाम का टाइम है और सनसेट हो रहा है। आज वेदर टेम्परेचर भी बहुत हाई है, 32 डिग्री, तो इसलिए हम जा रहे हैं बीच पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रैम स्टेशन पे और वहाँ से लेंगे ट्रैम जो कि सीधा जाती है स्किवनीगल बीच। तो हम लोग आ चुके हैं ट्रैम स्टेशन पे जहाँ से मिलेगी हमें हमारी ट्रैम। तो हम लोग आ चुके हैं ट्रैम स्टेशन पे, यहीं से सीधी ट्रैम जाती है स्किवनीगल बीच पे। तो हर ट्रैम स्टेशन पर आपको ऐसी स्क्रीन लगी हुई मिलेगी जहाँ से आप अपने ट्रैम का टाइम देख सकते हो। आई नो आपको ये स्क्रीन में कुछ गड़बड़ लग रही है, खराब लग रही है, बट ये मेरे मोबाइल कैमरा की वजह से ऐसी दिख रही है, सो इट्स फाइन। हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर ट्रैम के लिए। यह ट्रैम स्टेशन। तो आ चुकी है ट्रैम, हम लोग एंटर कर चुके हैं ट्रैम के अंदर। यह ट्रैम। कुछ मेरे जैसे भाइयों को ट्रैम के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि ट्रैम मेट्रो की तरह होती है जो कि रोड में ट्रैफिक के बीच में चलती है और ये नीदरलैंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती है। अगर आप लोग भी कभी नीदरलैंड को विजिट करो तो आप लोग इसमें सफ़र कर सकते हो। आपको इसमें सफ़र करने के लिए एक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप किसी भी सिटी के रेलवे स्टेशन से आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आप इसमें सफ़र कर सकते हो। आप कैनाल देख रहे हैं, ऐसी कैनाल्स नीदरलैंड में बहुत बनाई गई हैं जिससे कि समंदर के पानी को डिवाइड किया गया है। ऐसी कैनाल्स आपको पूरे नीदरलैंड में देखने को मिलेगी और ये भी एक नीदरलैंड की खूबसूरती का हिस्सा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डेल्फ सिटी सेंटर। जैसे कि हमारे इंडिया में किसी भी सिटी के मेन पार्ट को सेंटर माना जाता है, ऐसे ही यहाँ पर उसको सेंट्रम बोला जाता है। डेल्फ सिटी सेंट्रम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी जल्दी से आएगी। और यहाँ पे हमारी ट्रैम थोड़ी देर के लिए रुकी थी और अगली सिटी है डेनहाग। स्किवनीगल बीच डेनहाग सिटी के कॉर्नर पे पड़ती है और डेल्फ से स्किवनीगल बीच का डिस्टेंस है अराउंड 20 किलोमीटर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं डेनहाग सिटी सेंटर में। अगले 2-3 दिन के अंदर हमने वापस डेनहाग सिटी सेंटर में आना है क्योंकि हमने यहां से शॉपिंग करनी है। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो स्पेशल एक और आएगी, तो वीडियो देखना मत भूलना।
ये जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं ये यूरोप की सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं और ये प्लेस भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। होप सो मैं इसको अगली वीडियो में कवर कर सकूं। अगर मैं इसको अगली वीडियो में कवर कर सका तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। स्किवनिगन बीच के पास तो यहाँ से जाके आती है स्किवनिगन बीच। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसके पीछे है बीच। जब भी नीदरलैंड में टेम्परेचर हाई होता है, गर्मियों का वक्त होता है, तो यहाँ के लोग बीच पे जाना बहुत पसंद करते हैं और वहाँ जाके एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस कंट्री में ऑलमोस्ट विंटर सीजन रहता है और टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो इसलिए जब भी यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो ये लोग बीच पर आकर इंजॉय करना पसंद करते हैं। स्किवनिगन बीच पर हमेशा ऐसी मार्केट लगी रहती है, अगर आप लोग कोई सामान लेना चाहें या फिर कोई चीज़ रेंट पे लेना चाहें तो आप लोग आसानी से ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर स्विमिंग करेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहे एंड तक। भीड़ बहुत है आज, आप मेरे पीछे देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इंसानों के साथ साथ यहाँ पर पक्षी भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। लेक की तरह घर से हम फिर आज लेकर आए हैं इंडियन फूड, तो चलिए खाते हैं और फिर करते हैं एंजॉय। बीच पर सनसेट व्यू देखकर बहुत मजा आया, दिल कर रहा था कि वहीं पर ही बैठे रहें। टाइम स्पेंड करके हमें बहुत मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया। तो अब निकलते हैं घर के लिए और रास्ते का जितना भी सफ़र है आपको दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो में। सनसेट हो रहा है, देखो आप, चलते हैं घर। तो ये कुछ शॉप्स हैं और होटल्स हैं जो कि बीच के ऊपर बने हुए हैं। आप लोग यहाँ से सन बाथ के लिए बेड या फिर और बहुत सारी चीज़ें रेंट पे ले सकते हो। और यहाँ पर फूड काउंटर भी बने हुए हैं, यहाँ पर आप लोग बैठ के फूड इंजॉय कर सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग आओ और इंजॉय करो। ये है स्किवनिगन बीच, डेन हग सिटी। तो हम लोग वापस आ चुके हैं ट्रेन स्टेशन पे और वापस घर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें 2-3 ट्रैम्स मिस करनी पड़ी। वीडियो को
करते हैं आज ही यहीं पर ही एंड। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अगली वीडियोस भी बहुत जल्दी जल्दी आने वाली हैं। तो ये थी स्किवनीगंज बीच। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।